एक नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जो बुलेट से यहाँ पर आए हैं, बुलेट बाइक लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और ये सीधा दिल्ली जाने के लिए तैयार है। ये आप उनसे छीन लिया आपने या आप खुद लेके आए? नहीं, छीना था उससे। जब वो बम मार रहे थे ना, गोलियाँ गोलियां मार रहे थे, बम मार रहे थे, बट मार रहे थे प्लास्टिक दे, असली गोलियां ना चलाईया। कल बहुत नुकसान किया, उदो अमला सामना हो गया सी, उदो खोया सी। कौन था वो, पुलिस थे, आरएएफ के जवान थे या सीआरपीएफ? ऐसा नहीं पता लगा, कोई आर्मी वाला होगा। दिल्ली वर्दी थी? हाँ। ये बुलेट लेकर ही जाएंगे आप दिल्ली तक अगर यहाँ से निकल पाए? हाँ, बुलेट लेके जाएंगे दिल्ली में। टैंकी वंकी फुल है? हाँ, टैंकी फुल दिखाई है। टैंकी फुल, अपनी टैंकी फुल करा रखा मैंने। तो टंकी फुल है, कितने लीटर तेल आ जाता है इसमें? 1400 का, 1415 लीटर तेल। हाँ, इससे रोकेंगे अब। बहुत गोला मारते हैं वो देखते नहीं है, जब गोला बजता है फिर वो ताड़ी मारते हैं, जो कोई बंदा गिर जाता है ना फिर ताड़ी मारते हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने के लिए किसान बड़ी संख्या में सिंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं, कोई ट्रैक्टर ट्राली लेकर आया है, कोई गाड़ी से आया है। तो एक नौजवान यहाँ पर मौजूद है जो बुलेट से यहाँ पर आए हैं, बुलेट बाइक लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और ये सीधा दिल्ली जाने के लिए तैयार है। आगे सबसे फ्रंट लाइन पर भी ये रहे जब संघर्ष हुआ और उस दौरान इन्होंने पुलिस से आमना सामना भी किया। और ये आप उनसे छीन लिया आपने या आप खुद लेके आए? नहीं, छीना था उससे। जब वो बम मार रहे थे ना, गोलियां मार रहे थे, बम मार रहे थे, बट मार रहे थे प्लास्टिक दे, असली गोलियां ना चलाईया। कल बहुत नुकसान किया, उदो अमला सामना हो गया सी, उदो खोया सी। हाँ। तो कौन था वो, पुलिस थे, आरएएफ के जवान थे या सीआरपीएफ वाले? ऐसा नहीं पता लगा, कोई आर्मी वाला होगा। दिल्ली वर्दी थी? हाँ, मेरे ख्याल में खाकी सी। खाकी वर्दी? हाँ, खाकी। पुलिस वाले थे? हाँ, पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वालों से आपने छीन लिया। आपको और जवान भी वहाँ रखे जिसने रोका हो, आपको डर नहीं लगा? नहीं नहीं, वो वहाँ ब्लास्ट बहुत कर रहे थे ना, इसलिए हम 10-12 जने गए थे उसको रोकने के लिए, वो रुके नहीं। उन्हें बहुत फायरिंग की, बहुत ज्यादा फायरिंग की, बहुत ज्यादा, इतनी फायरिंग की धुआं धुआं हो गया। बहुत बंदे ने सट्टा भी बजिया बहुत ज्यादा, मेरे नाल दे दो फटर हो गए, वो आज आए नहीं है, पीछे ट्रैली चे। तो बुलेट लेकर आप आगे गए? हाँ, बुलेट लेके। कब से आप यहाँ मोर्चे? 12 तारीख को शाम को। आप शाम को आ गए थे? 12। कहाँ से आप? अपना पिंड कड़ाम। कितने किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से हैगा ही मेरे ख्याल में 60 किलो। कहाँ पड़ता है ये, किस शहर में? देवीगढ़। हाँ, पटियाला। ये बुलेट लेकर ही जाएंगे आप दिल्ली तक अगर यहाँ से निकल पाए? हाँ, बुलेट लेके जाएंगे दिल्ली में। टैंकी वंकी फुल है? हाँ, टैंकी फुल दिखाई है। टैंकी फुल, अपनी टैंकिया फुल करा रखा मैंने, ये देखिए। तो टंकी फुल है, कितने लीटर तेल आ जाता है इसमें? 1400 का, 1415 लीटर तेल। 15 लीटर की टंकी बिल्कुल फुल है, दिल्ली पहुँच जाएंगे? हाँ हाँ, दिल्ली पहुँच जाएंगे। वो कहते हैं ना रास्ते में तेल नहीं डालेंगे, हमारे पास तेल बहुत पड़ा है। तो आपने ये आंखों को बचाने के लिए सेफ्टी गार्ड भी लिया? हाँ हाँ, धुआं बहुत अखा में पैंदा ना, उसके वास्ते। हाँ, आपको भी कुछ लगा, कोई बुलेट लगा या आपको आंसू गैस का? पूरा मैं लगते रहे कल, जब यही चलता है गोले चलते थे उस टाइम बहुत लगा। जब आपने ये छीन लिया तो अब इसको लेकर के आप आगे भी जाएंगे? हाँ, और जो भी गोला वोला बजेगा इसका आप रोकेंगे? हाँ, इससे रोकेंगे अब। बहुत गोला मारते हैं वो देखते नहीं है, जब गोला बजता है फिर वो ताड़ी मारते हैं, जो कोई बंदा गिर जाता है ना फिर ताड़ी मारते हैं सामने की तरफ। हाँ, सामने वाले ताड़ी मारते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग प्रोवोक करते हैं, आप जो इनको मजबूर करते हैं कि गोला चलाए? ना ना, आप तो मजबूर, जहाँ से मुड़ जाते हैं बस हमारी मांगे पूरी कर दो। अच्छा, आप आगे थे तो कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने पत्थरबाजी भी की हो दूसरी तरफ? पत्थरबाजी तो थोड़ी कम ही की है, जिस जदों उन्होंने ज्यादा करता ना धुआं धुआं उस टाइम पत्थरबाजी की है, थोड़ी की है 2 मिनट में। ड्रोन भी कल गिराया गया? हाँ, पतंग से गिराया। गिर गया था ड्रोन? हाँ, गिर गया था। कल आप कहाँ थे? आगे थे? हाँ, आगे थे, सिरे पे थे। हाँ, सिरे पे। आज अब शाम को मीटिंग भी होनी है तो आपको उम्मीद है कि कुछ रिजल्ट निकलेगा मीटिंग का, कुछ फैसला अच्छा आपके लोगों में समर्थन? ये मीटिंग निकली अभी पता लग जाता, अभी रात को क्या मीटिंग निकलेगा जो? हाँ, हल मुश्किल, बहुत मुश्किल होएगा। मैं तो कहता हल हो जाए असी वापस तोड़ दिए, और हल अभी हो जाए अभी बस चले जाएंगे, आगे क्या दिल्ली में क्या करेंगे, हमारा हल कर दो हम इधर से चले जाएंगे। पिछली बार आप 13 महीने तक आंदोलन चला था तो क्या आप भी गए थे वहाँ? हाँ, हम भी उधर से टोकर से गए थे। अच्छा,
हाँ 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 हरियाणा होता हुआ उधर का हमने बैरिगेड तोड़ के कैथल की तरफ हाँ दिल्ली पहुँचे। हाँ गुला जी का होके आगे कैथल से होके दिल्ली गए। हाँ हरियाणा के बीच से बाईपास से फिर गए गाँव गाँव से गए पुलिस बहुत सी उस टाइम भी अभी भी इधर ही है। 12 तारीख के जो कपड़े पाए हैं इधर ही रहेंगे जब तक हल नहीं कोई होता इधर ही हैं हम। तो चलिए देखिए कि एक नौजवान एक किसान युवक जो अपनी बुलेट बाइक से यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस से इन्होंने दो दो हाथ किए सुरक्षा बलों से भिड़ गए और अपने नौजवानों को बचाने के लिए इस दौरान इन्होंने एक जो सेफ्टी गार्ड है सुरक्षा कवच है उसको उनसे छीन लिया और वापस पंजाब की तरफ आ गए। और जब इनका कहना है कि जब अब सामने की तरफ से अगर दोबारा से कोई कार्रवाई होगी तो इसके जरिए वो अपनी सुरक्षा न सिर्फ करेंगे बल्कि और उन नौजवानों की सुरक्षा करेंगे जो सीमा लांघने के लिए प्रयत्नशील है। दिल्ली जाना है और जाकर के इनका मोटरसाइकिल अब दिल्ली में ही रुकेगा। किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती और आज की बैठक है, बैठक से उम्मीद तो बहुत ज्यादा इनको नहीं है लेकिन ये अपील यही करते हैं कि सरकार इनकी मांग माने ताकि ये लोग खुशी खुशी घरों की ओर जाए। लेकिन बैठक में क्या नतीजा निकल रहा ये देखने वाला होगा। कैमरा पर्सन वरिंदर शाह, सुधीर पांडे, पंजाब की सीटीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।